हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पार्ट 27 वीडियो ऑफ मैथ फॉर क्लास फोर्थ। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 3 लेसन 2। इन दिस एक्सरसाइज वी सॉल्व सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन। सब्ट्रैक्शन मीन्स डिफरेंस ऑफ ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। सब्ट्रैक्शन में हमेशा ग्रेटर नंबर को ऊपर और स्मॉलर नंबर को नीचे रखते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो आपका ग्रेटर नंबर है, हमने एक सब ये क्वेश्चन मैंने ये लिया है, यहाँ पर ग्रेटर नंबर है, ठीक है, ग्रेटर नंबर। और ये क्या है, स्मॉलर नंबर हमारा है। और यहाँ पर जो आएगा वो हमारा क्या होगा, डिफरेंस। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 में से 8 जाएगा नहीं तो ये इससे क्या करेगा, बोरो लेगा। तो ये 6 7 है, एक इसको दे देगा तो ये 6 हो जाएगा। और ये 13, ये 3 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 में से 8 निकलेगा तो 8 के बाद 9 10 और 3 ये यानी 5। अब ये 6 हुआ, 6 में से 5 चला जाएगा 1, 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 3। तो दिस इज़ द डिफरेंस। अब इसके बाद कह रहा है चेक आंसर बाई एडिशन। अब जो डिफरेंस है एम, तो चेक करने के लिए तरीका क्या है, जो डिफरेंस है उसमें हम स्मॉलर वैल्यू को ऐड करेंगे, यानी इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें ग्रेटर नंबर मिल जाएगा। तो करके देखते हैं, यानी डिफरेंस हमारा ये आ गया, डिफरेंस को ऊपर लिख दिया 3 2 1 5 0 और इसमें स्मॉलर वैल्यू को ऐड कर दिया 2 6 5 8 2 और हमको इसको ऐड कर देना है प्लस साइन का। तो देखना है कि अगर डिफरेंस और स्मॉलर को ऐड करेंगे तो ग्रेटर आना है, इस तरह प्रूफ करना है। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 5 और 8 हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 13, 13 का 3 हम लिखेंगे, 1 कैरी हो गया, 1 और 1 2 और 2 और 5 7, 2 और 6 8, 3 और 2 5। तो हम देख रहे हैं कि यह अगेन हमको ग्रेटर नंबर मिल जा रहा है, तो यह हमने चेक करके देख लिया, ठीक है। तो ग्रेटर में से स्मॉलर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको डिफरेंस इन दोनों के बीच में मिलता है, और इस डिफरेंस को स्मॉलर नंबर से ऐड करते हैं तो हमें दोबारा ग्रेटर नंबर मिल जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। इसी तरह हम एक दूसरा क्वेश्चन और बता रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी करके ये बताएंगे, और ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये दोनों बी और सी आपको लगाना है, डी हम आपको लगा के दिखा रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी नोट कर लिया है। अब यहाँ देखना है कि 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, इससे बोरो मांगेगा, इसके पास नहीं है, इससे बोरो करेगा, ये इसके पास भी नहीं है, यानी 1 से 10 प्लेस पर मांगा, 100 प्लेस पर भी नहीं है और 1000 प्लेस पर भी नहीं है, तो यह इससे 6 से बोरो मांगेगा, तो यह 6 एक दे देगा इसको, तो यह हो जाएगा 5। जब इसके पास आया तो यह हो गया 10। अब 10 का इसमें एक दे दिया तो यह 10 क्या हो जाएगा, 9, और यह क्या हो जाएगा, अब यह 10 हो जाएगा। अब यह 10 अपना एक इसको दे देगा तो यह जब इसको एक दे देगा तो यह हो जाएगा 9, और यह क्या हो जाएगा, 10 अगेन। अब जो है 10, अब इस 10 इससे यह मांगा था तो अगेन ये जो है 1 जो है इसको दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, 9, और ये हो जाएगा 10। अब इस 10 में से 5 चला जाएगा, 5, अब यहाँ पर वैल्यू 9 है तो 9 में से 3 गया 6, अब यहाँ पर भी 9 है, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पर भी 9 है, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ तो 5 हो गया, 5 में से 2 गया 3। यह हमको डिफरेंस मिला, या ग्रेटर नंबर हो गया या स्मॉलर नंबर हो, या डिफरेंस मिला। अब इसको चेक करना है तो चेक करने का तरीका यही है, डिफरेंस प्लस स्मॉलर नंबर। तो डिफरेंस हमारा है 3 2 4 6 5, यानी 32465 यह डिफरेंस है, और इसमें हम जो है स्मॉलर नंबर को जोड़ देंगे, यानी 27535 को ऐड करेंगे तो हमें ग्रेटर नंबर मिल जाना चाहिए। तो 5 और 5 10 तो 0, 6 और 3 9 और 1 10, यानी यहाँ पे एक कैरी आ गया था तो 10 हो गया, फिर इसका एक कैरी यहाँ पे ऊपर चला गया तो 1 5 5 5 10 एक कैरी हुआ, 3 और 7 10 एक कैरी हो गया, तो यह हो जाएगा 4 5 6
तो हम देख रहे हैं कि अगेन हमको ग्रेटर नंबर जो है मिल जा रहा है। तो इस तरह हमने इसको चेक कर लिया। ऐसे ही आपको कॉपी पर भी करना है। तो आपको ये शेष दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।